सैनी जी के शासन काल में नूह के दंगे हुए, बताइए किसका शासन काल में हो? और नूह के दंगे इतिहास में गवाह है। वो कह रहे कि नहीं हुड्डा मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनके समर्थक ये कहते हैं अरे वो तो चमारिन है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। मतलब हुड्डा हुड्डा जी हो गए और शैलजा जी चमारिन हो गए, तो जब राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोले, जब खड़गे जी क्यों नहीं बोले, और एक एक करके पीट रहे हैं। इन सबको पता है कि एक बार पहले दलित को पीट लो, फिर उसके बाद में मुसलमान को पीट लो, लेकिन दलित भी और मुसलमान भी समझ नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अत्याचार शोषण तो दोनों के ऊपर हो रहा है। ये क्यों नहीं आते? आज हमने देखा कि तमाम जो मुस्लिम समाज के नेता है वो भाजपा में भी सम्मिलित है, कांग्रेस में भी सम्मिलित है, लेकिन जबकि यही दो पार्टियां मतलब पूरे तरह से मतलब आजादी के बाद में केंद्र की सत्ता पर काबिज रही है, इनके ऊपर अत्याचार भी, शोषण भी, इनके हक अधिकार भी, लेकिन आज भी उस लोग समझ नहीं पा रहे। आज इस भारत देश का मुस्लिम ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरा अस्तित्व इन पार्टियों में क्या है क्या नहीं है। हाँ तो हमारे पास में सत्ता, जब सत्ता नहीं तो प्रशासन की तो बात बहुत दूर दूर तक है। और आज आए दिन दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो प्रताड़ना है, दलित झेल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे बहुजन समाज के नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो खुलकर नहीं बोलते। जो संघर्ष साहब माननीय काशीराम जी ने किया, जिनका त्याग समर्पण बलिदान इतना रहा कि उनकी वजह से आज बहुजन समाज के लोग सत्ता के गलियारों में जाने की कल्पना करते हैं, सोचते हैं, वो सोचते नहीं, बल्कि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में चार चार बार सरकार भी बनी, लेकिन विडंबना ये है कि जिस तरह से साहब माननीय काशीराम जी ने काम किया, शायद आज के नेता उतने त्याग समर्पण बलिदान के साथ में काम नहीं कर पा रहे। और उसी का नतीजा है कि कल जिस तरह से हरियाणा के जो चुनावी नतीजे आए, क्योंकि हमने देखा कि लगातार जिस तरह से बसपा पर एक आरोप लगता था कि बसपा गठबंधन के साथ नहीं जाती है, कभी गठबंधन नहीं करती, पिछले दिनों जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए, इंडिया गठबंधन हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं गए, और उसी का कारण रहा कि लोकसभा में जीरो रिजल्ट आया। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि एक सकारात्मक परिणाम बहन जी ने लिया और हरियाणा में इनेलो के साथ में गठबंधन किया, लेकिन इनेलो और बसपा के गठबंधन के बाद भी हमने देखा कि एक भी सीट बसपा नहीं जीत पाई। और कल मैंने देखा कि जैसे ही चुनाव आ रहे थे, बहन जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें कि बहन जी ने साफ साफ ये कहा कि जो जाट है, हरियाणा का जाट, उन्होंने तुलना की कि जो हरियाणा के जाट है उन्हें उत्तर प्रदेश के जाटों से सीखना चाहिए, कि जो उत्तर प्रदेश के जाट है वो कहीं ना कहीं मतलब समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए एक तरह समानता की बात करते हैं, लेकिन जो हरियाणा के जाट है वो आज भी जातिवादी मानसिकता है उनके, वो जनरल में आते हैं, जो यूपी का जाट है वो ओबीसी में आता है। मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए ये बातें पहले सबको पता थी, लेकिन वही होता है जिस तरह से आपने देखा कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और अखिलेश के साथ में गठबंधन हुआ था, और जब गठबंधन हुआ, गठबंधन के तहत बसपा को कम सीटें मिली, और कम सीटें मिली तो हमने देखा कि जहां जहां से बसपा के प्रत्याशी लड़ रहे थे वहां पर सपा ने बिल्कुल भी मतलब समर्थन नहीं किया और यादवों ने बिल्कुल भी वोट नहीं किया, तो तब भी यही कहकर गठबंधन तोड़ा गया था। जी देखिए, आज दलित कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रहा है, और उसका कारण यह है कि समाज में आए दिन जो एक से बढ़कर एक नए नेता पनप रहे हैं, जो आज अपना झंडा अपना डंडा लेकर चलने का काम कर रहे हैं। साहब माननीय काशीराम जी ने इतना संघर्ष किया, बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, बहन कुमारी मायावती ने अपने जो उनका यौवन समय था उस समय इतना संघर्ष किया, लेकिन विडंबना है कि बहुजन समाज के लोग उस संघर्ष को नहीं समझ पा रहे, और उसी का कारण है कि आज छोटे छोटे संगठनों में, छोटी छोटी पार्टियों में बैठकर कहीं ना कहीं बहुजन आइडियोलॉजी को, बहुजन संगठनों को, बहुजन विचारधारा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह से दिल्ली के पूर्व जो समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, बहुत सारे लोगों ने उन्हें समर्थन दिया, बहुत सारे लोगों ने उन्हें स्वीकार भी किया, लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा कि चुनाव आने वाले थे और अभी दिल्ली में 3-4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है दोबारा से, तो जब राजेंद्र पाल गौतम जी को यह लग गया कि भाई आम आदमी पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, तो उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया पार्टी बदलने में, वो तुरंत कांग्रेस पार्टी के पल्लड़े में जाकर बैठ गए। विधान बचा रही है, बहुजनों की बात कर रही है, आरक्षण की बात कर रही है। देखिए ये आप कह रहे हैं गजेंद्र जी कि कांग्रेस संविधान बचा रही है, आरक्षण बचा रही है, बहुजनों की बात कर रही है। अगर वो बहुजनों की बात करे, अभी पिछले दिनों जिस तरह से आप सबको पता है कि जो पुरानी संसद भवन है वहां से बाबा साहब की मूर्ति रातों रात हटा दी गई, तो बताइए उसके लिए कांग्रेस ने कितना आंदोलन किया, राहुल गांधी ने कितनी आवाज सदन में उठाई है, राहुल गांधी के नेताओं ने कितना आंदोलन। देखिए हमें पता है सिर्फ एक नेता के बोलने से कुछ नहीं होता, अर्जुन खड़गे जी कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो बहुजन समाज के लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब बहुजन समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व की बारी आती है, उनके हक अधिकारों की बात है, अभी आपने कांग्रेस की बात करी कि संविधान बचा रही है, अभी मैं जीता जागता उदाहरण आपको हरियाणा का दे दूं। हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के
बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने कि साफ साफ जो उनके समर्थक थे, जब सीएम की दावेदारी की बात आ रही थी, एक तरफ सैलजा का गुटखा कुमारी सैलजा है जो कि बड़ी नेता है, पूर्व डिप्टी सीएम भी रही है, उनको जाति सूचक शब्दों से मतलब संबोधित कर दिया। लोग कह रहे कि नहीं, हुड्डा मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनके समर्थक ये कहते हैं अरे वो तो चमारिन है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है, मतलब हुड्डा हुड्डा जी हो गए और सैलजा जी चमारिन हो गई, तो जब राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोले, जब खड़गे जी क्यों नहीं बोले, जब तमाम नेता क्यों नहीं बोले, तो आप ये देखिए कि सिर्फ ये लोग लुभावनी सुंदर आकर्षक बातें कर सकते हैं, लेकिन सही रूप में चले तो बीजेपी सामाजिक न्याय तो कर रही है ना। लेकिन बीजेपी सामाजिक न्याय कैसे कर रही है, वही मोदी जी वाला हाल है कि जब संसद में जब सांसद बनते हैं तो संविधान संसद में घुसते हैं, तो किस तरह से हिस्सेदारी दे रही है। देखिए पिछला मुख्यमंत्री बनेगा, देखिए वो सिर्फ किसी ने बनाया, उससे पहले खट्टर मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में क्या हुआ सबको पता है, और हमने देखा कि भाजपा की रणनीति समय समय पर बदलती है, जब देखते कि उनका जो कोई भी वर्तमान मुख्यमंत्री होता है उसकी गतिविधियां अलग होती है, तो तब वो एक ऐसा चेहरा ले आते हैं जो कि गैर मतलब स्वर्ण होता है। अभी जिस तरह से आपने सैनी जी की बात करी, सैनी जी के शासनकाल में नू के दंगे हुए, बताइए किसके शासनकाल में हो, और नू के दंगे इतिहास में गवाह है। अभी हम पिछले दिनों जिस तरह से मणिपुर की घटना हुई, किसके शासनकाल में हुई, बसपा अपनी कमियों से हारी है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बसपा अपनी कमियों से हारी है, बसपा आज रणनीति नहीं बना पा रही है, जिस तरह की रणनीति साहब मान्यवर काशीराम जी ने बनाई, साहब मान्यवर काशीराम ने एक एक वोट एक एक नोट की रणनीति बनाई, लेकिन आज विडंबना है कि हम कागजी फॉर्मेलिटी तो पूरी करते हैं, कागजों में तो तमाम पदाधिकारियों को सुनिश्चित कर देते हैं, उन्हें घोषित कर देते हैं, लेकिन आप धरातल पर जाकर देखिए। अगर आज मैं बात करूं, आज साहब मान्यवर काशीराम जी की 18वें पुण्यतिथि है और यहाँ पर लाखों का जन सैलाब होना चाहिए था, आप उंगलियों में गिन सकते हैं, यहाँ सिर्फ पूरे दिल्ली में 70 विधानसभाएं क्यों दूर होता चला गया, आखिर क्या वजह है, मुस्लिम वोट नहीं दे रहा आपको। देखिए मुस्लिम वोट दे रहा है नहीं दे रहा, बहुत सारी चीजें होती हैं और राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बार बार वही कहती कि आज जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, उसी का खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक करोगे अत्याचार है। देखिए गजेंद्र जी, मैंने पहले ही कहा था कि जो साहब मान्यवर काशीराम जी ने काम किया वो शायद आज पार्टी काम नहीं कर पा रही है, अगर काम करती तो शायद हरियाणा का रिजल्ट बहुत अच्छा होता, इससे पहले 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ उसका रिजल्ट होता, कुछ ना कुछ तो परिणाम हमें देखने को मिलता। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली में तरस रहे हैं, जहां से हर व्यक्ति की राजनीति शुरू होती है, हर किसी की नजर रहती है कि जो दिल्ली पर राज करेगा वो पूरे भारत देश पर राज करेगा, लेकिन विडंबना है कि दिल्ली में हम काउंसलर जी मैं वही कह रही थी कि हम दिल्ली में काउंसलर बनाने तक के लिए तरस जाते हैं, जबकि काउंसलर तो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत छवि पर निकाल सकता है, काउंसलर के लिए कितना वोट चाहिए, 7-8 हजार वोट में डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि आज काउंसलर के लिए भी बहुजन समाज पार्टी तरस रही है। देखिए अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है राष्ट्रीय पार्टी का पद इनसे छिन जाए, और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मुझे दुख भी नहीं हो रहा, पीड़ा भी नहीं है, क्योंकि हम काम ही नहीं करें, जब काम नहीं करेंगे तो परिणाम कहां से आएगा, जब हम अच्छा पेड़ नहीं लगाएंगे, उसको सींचेंगे नहीं, उसमें खाद पानी नहीं डालेंगे, बीएसपी के सारे पदाधिकारी अब चुनाव आता मुर्गा मांगते हैं वो। देखिए सभी पदाधिकारी एक से नहीं होते, मैं आपकी बात से 90% सहमत हूँ, जो हमने भी एनालाइजेशन किया है और जो आज एक बहुत बड़ी कमी हमें देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे पैसे से टिकट देते हैं। देखिए वो अलग बात है, वो आपका मानना है, लेकिन मैंने कहा कि 90% मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन 10% आज भी कहीं ना कहीं ऐसे त्याग समर्पण करने वाले लोग हैं बहुजन समाज पार्टी में, जो चाहते हैं कि साहब मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा पर चलकर पार्टी आगे बढ़े, लेकिन वही बात आती है कि जिस विचारधारा को लेकर साहब मान्यवर काशीराम जी चुनाव में क्या, देखिए 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर फिर से मतलब दावेदारी ठोकी जा रही है, अलग अलग पैसे निकल के आ रहे हैं, आपके आधार पर कह रहे हैं जमानत जब्त, हर बार जमानत जब्ती हो रही है तुम्हारी। देखिए जमानत जब्त हो रही है नहीं हो रही है, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि उनको सही तरीके से चुनाव के बाद में समीक्षा करनी चाहिए। मैं बार बार एक बात कहती हूँ, भले मैं समर्थक हूँ, लेकिन समर्थक होने के नाते टिकट दे दिया, फिर उसको देखिए रवि गौतम जी का जो प्रकरण रहा मैंने भी सुना, वास्तव में ये एक सोचिए विचार है, आप किसी भी प्रत्याशी को लेकर आ रहे हो, उसको आश्वासन दे रहे हो, फिर उसका टिकट काटना, ये वास्तव में बहुत ही दयनीय स्थिति और बहुत दुख वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन भी लगाया कि रवि गौतम जी इसलिए चले गए, वो कहीं और थे, ये थे, वो थे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक हम सच्चाई पर जाकर चर्चा नहीं करेंगे, सच्चाई को नहीं समझेंगे, तब तक शायद कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर आज समय अलग थलग अकेला पड़ा है, कैसे अब क्या होगा इसका,
देखिए दलित आज उस हालत में हो गया है, मैंने पहले ही कहा है कि आज हाशिए पर जा रहा है दलित, इतनी संख्या होने के बावजूद भी ना तो वो सरकार में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए अग्रसर हो पा रहा है और ना ही प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि ना तो हमारे पास में सत्ता, जब सत्ता नहीं तो प्रशासन की तो बात बहुत दूर दूर तक है। और आज आए दिन दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो प्रताड़ना दलित झेल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे बहुजन समाज के नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो खुलकर नहीं बोलते। इतने सारे सांसद, इतने सारे विधायक हैं जो कि रिजर्व सीटों से जीत कर जाते हैं। देखिए एक चंद्रशेखर के बोलने से क्या होता है, हमने देखा चंद्रशेखर भी जब घटना हो जाती है तब वहां पर पहुंचते हैं, भीड़ का हजूम लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन समाधान क्या है, समाधान क्या बताइए, समाधान की तरफ क्या कभी चंद्रशेखर आजाद जी बड़े बाबा साहब ने कहा कि जो व्यवस्था आपको गुलाम बना देती है, नहीं नहीं आप मेरी बात सुनिए, बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार शोषण करती है गुलाम बना देती है, आप उस व्यवस्था को क्यों नहीं छोड़ते, बसपा क्यों चुनाव में आती है बाकी दिन घर में, भाई साहब बसपा चुनाव में आती है नहीं आती है ये सवाल आपको बहन कुमारी मायावती जी से आज करना चाहिए था, वो थे माननीय आकाश आनंद जी से करना चाहिए था, बसपा के तमाम बड़े बड़े नेताओं से करना चाहिए था, मैं तब मानती हूँ। आप किसी भी कार्यकर्ता को पकड़ के इस तरह के सवाल करते हो तो शायद कार्यकर्ता तो आज भी समर्पण त्याग बलिदान के साथ में लगा हुआ है, वो तो आज भी अपना घर फूंक कर तमाशा देख रहा है, लेकिन सवाल इन बड़े नेताओं पर खड़ा होता है जो हर स्टेट में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी का, और बहन जी पर खड़ा होता है, क्योंकि बहन जी को हर बार समीक्षा करनी चाहिए, और जो जो कार्य जो नेता है जो पदाधिकारी बने हुए अगर वो काम नहीं करते तो तुरंत एक के बाद एक को हटा देना चाहिए, तब इन लोगों की आंखें खुलेंगी। हम भी पिट रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं हम भी पिट रहे हैं, तो देखिए सारे एक साथ ही आ नहीं रहे हैं और एक एक करके पिट रहे हैं, इन सबको पता है कि एक बार पहले दलित को पीट लो फिर उसके बाद में मुसलमान को पीट लो, लेकिन दलित भी और मुसलमान भी समझ नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अत्याचार शोषण तो दोनों के ऊपर हो रहा है, ये क्यों नहीं आते। आज हमने देखा कि तमाम जो मुस्लिम समाज के नेता हैं वो भाजपा में भी सम्मिलित हैं, कांग्रेस में भी सम्मिलित हैं, लेकिन जबकि यही दो पार्टियां मतलब पूरे तरह से मतलब आजादी के बाद में केंद्र की सत्ता पर काबिज रही है, इनके ऊपर अत्याचार भी, शोषण भी, इनके हक अधिकार भी, लेकिन आज भी उस लोग समझ नहीं पा रहे। आज इस भारत देश का मुस्लिम ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरा अस्तित्व इन पार्टियों में क्या है क्या नहीं है, और जो दलित न्याय दिलाने गए वो जेल चले गए। अभी बताइए सरकार किसकी है, सरकार किसकी है, बीजेपी की, बीजेपी की सरकार है ना, प्रशासन में कौन लोग बैठे हैं, कौन सी मानसिकता के लोग बैठे हैं, जिस मानसिकता के लोग बैठे हैं जिसकी सरकार है उसकी तो चलेगी ना, या उन दलितों को चलेगी जो दारू के बदले अपना वोट दे आते हैं या 500 रुपए के बदले अपना वोट दे आते हैं, बताइए किसकी चलेगी। उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक घटनाएं ऐसी है जो दलितों पर अत्याचार शोषण कर, लेकिन उसके बाद भी दलित नहीं जाग रहा है। अभी अयोध्या में जिस तरह से दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, कितने दलित नेता निकल कर आए, कितने दलित लोगों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, लेकिन विडम्बना यही है कि जब स्वर्ण समाज की किसी बहन बेटी के साथ में अत्याचार शोषण होता है तो सबसे पहले यही दलित कैंडल मार्च करता है, यही दलित आंदोलन करता है, लेकिन जब इन्हीं की बहन बेटी के साथ में कोई अत्याचार शोषण होता है तो तब कहीं ना कहीं ये भी खामोश होते हैं, थोड़े बहुत लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन वो थोड़े बहुत लोगों की आवाज उठाने से दलित वोट क्यों नहीं दिया दलितों ने बहन जी को। देखिए दलित जो वोट बैंक नहीं पड़ा उसका भी बहुत बड़ा कारण अगर हम देखें तो रहा है, क्योंकि जिस तरह से शैलजा कुमारी को लेकर जो भाजपा ने कार्ड खेला, क्योंकि भाजपा ने लगातार कहा कि जो कांग्रेस पार्टी वो दलित विरोधी है, दलित विरोधी, यहाँ तक कि हमने बहुजन समाज के कई ऐसे संगठन देखे जो कि एक पर्टिकुलर जमात जाति से आते हैं, उन्होंने महासभाएं की बड़ी बड़ी और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हम कांग्रेस का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि उन्होंने शैलजा कुमारी का बहिष्कार किया और बहुत सारी चीजें हैं, और जो बसपा का कैडराइज वोट आना चाहिए था वो नहीं आया क्योंकि बसपा का कैडर कहीं ना कहीं खत्म हो गया, इसलिए बसपा का जो दलित वोट बैंक है वो भी खिसक गया।